माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तपस्या इतनी कठिन थी कि उसका वर्णन करना आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने हजार वर्षों तक केवल फल फूल खाई और आगे उन्होंने 3000 वर्षों तक सिर्फ सूखे बेल पत्र खाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती रही और फिर उसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जला भोजन करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे प्रसन्न होके भगवान शिव ने उनसे शादी की। इसी तपस्वी रूप को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्रह्मचारिणी रूप जो है माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इस अवतार का पहनावा सफेद वस्त्र होता है। इस रूप में माँ के एक हाथ में कमंडल होता है और दूसरे हाथ में माला होती है। इस व्रत को करने से जो फल मिलते हैं वो इस प्रकार है कि मुश्किल परिस्थिति कितनी भी आ जाए उसमें सदा ब्रह्मचारिणी माता उससे पार निकालती है। तप त्याग तपस्या चरित्र में वृद्धि होती है, विद्या की दिशा में भी वो आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं तक, आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।